यूपीएससी के रिजल्ट घोषित हुए और जिसमें जम्मू कश्मीर के 16 प्रत्याशी जो है वो क्वालिफाई कर गए हैं। बता दें आपको, कश्मीर संभाग से 3 क्वालिफायर्स है और उसमें एक जो है श्रीनगर के मनान जी भी है। मनान से बात करेंगे। सर, आप ये बताइए, क्या कह सकते हैं हम कि अभी कश्मीर में इस तरीके की शिक्षा मिल रही है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने में छात्रों को आसानी होती है? देखिए, यूपीएससी की मतलब शिक्षा के लिए इंसान को खुद एफर्ट लगाना है, जिस जो कहीं से भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अब वैसा एनवायरनमेंट बन चुका है कि छात्र यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कल के लिस्ट में बहुत सारे छात्र जेएनके से हैं। सो डेफिनेटली कश्मीरी जेएनके के स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन क्वालिफाई द यूपीएससी। तो ऐसे छात्रों के लिए आपका विशेषकर संदेश क्या रहेगा और किस तरीके से एक छात्र जो कि कश्मीर से है खुद को तैयार कर सकता है ऐसे एग्जाम्स के लिए? देखिए, इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी चीज़ों को साइडलाइन करना पड़ता है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, और फॉल डाउन्स तो इस एग्ज़ाम में बहुत सारे हैं और उनसे बॉक डाउन नहीं होना है, मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, एक किस्म की चलते रहना है इस जर्नी में। इंशाल्लाह ताला एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको कामयाबी हासिल होगी। और जेएनके के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं बताऊँगा, जैसे कि यहाँ पर अब बहुत सारा लाइब्रेरी कल्चर स्टार्ट हुआ है, लोग लाइब्रेरीज में पढ़ रहे हैं, सो विच इज़ अ स्टेप इन द गुड डायरेक्शन, सो दैट पीपल कुड हैव सम स्पेस वेयर दे कुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। हालात के हिसाब से अगर कहें तो अभी इंटरनेट की सुविधाएं भी यहाँ लगातार चलती रहती है। अभी जैसे पिछले माजी में देखा जाता था कि बंद होती थी, तो कितना लाभ उस वजह से भी मिल रहा है छात्रों को? मैं आपको ये बताऊं, इंटरनेट हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन माय प्रिपरेशन आल्सो। 70-80% ऑफ माय एंटायर जर्नी हैज़ बीन बेस्ड ऑन द इंटरनेट। और उस वजह से, जैसे कि 2019 के बाद हालात बहुत सही से चल रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से इंटरनेट शटडाउन्स वगैरह अब होते नहीं है। तो उसके लिए मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यूपीएससी जर्नी इज़ बहुत सारा टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में, और इंटरनेट एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है प्रिपरेशन के लिए। प्रेजेंट के सफ़र में बताइए, आप अभी क्या है आपकी जो स्टेटस है, कैसे है, कर रहे हैं आप, क्योंकि आप केएस क्वालिफायर पहले से ही है, तो अभी वो किस स्टेज में है और क्या आपने निर्णय बना लिया है कि आप जो है आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही आप कोच करेंगे? अभी तो हमारा प्रोबेशन चल रहा था, 2 हफ्ते से प्रोबेशन चल रहा है और मैं इम्पा में हूँ। तो होपफुली मोस्ट प्रॉबली तो मेरा ये है कि या तो आईपीएस मिल जाएगा, इंशाल्लाह ताला अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे और अपने देश को किसी भी कैपेसिटी में सर्व करेंगे। फैमिली के बारे में मना जानना चाहेंगे, आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा और कितने मेंबर्स हैं आप और कैसा रहा सब फैमिली का सपोर्ट? हम घर पे 3 टोटल 4 मेंबर्स हैं, जिसमें से मेरी माँ बाप का तो रोल होता ही है, क्योंकि वो आपको एक हौसला देते हैं प्रिपरेशन का। लेकिन इसमें मेरी जो सिस्टर है उनका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज वेन एवर आई हैड अ फॉल डाउन और देर वॉज अ फेलियर इन माई पाथ, सो शी वॉज द वन हु यूज टू पुश मी कंसिस्टेंटली कि नो, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज आई हैवंट कम डायरेक्टली इन टू द यूपीएससी जर्नी जस्ट आफ्टर द कॉलेज। मैंने 4 साल जॉब किया, 4 साल जॉब छोड़ के फिर मैं इस जर्नी में आया हूँ। थैंक यू सर। ये हमारे साथ थे मनान भट्ट, जो कि श्रीनगर से है और यूपीएससी क्वालिफायर है। उनका साफ कहना है कि वो पॉसिबली वो आईपीएस में जाएंगे, और विशेषकर उन्होंने एक बात कही कि धारा